परेशानी भी हुआ। परेशानी तो नहीं हुआ लेकिन जनरल बोगी में तो ज्यादा परेशानी होता है। जनरल से हाँ भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक तो गर्मी ऐसे लग रहा है, उसके बाद बहुत भीड़ था और परेशानी था। सीट मिल पाता? सीट तो मिल गया था लेकिन एक सीट पर तीन आदमी चार आदमी कोच कोच के बैठा हुआ। क्या क्या वो आदमी निकल नहीं पा रहा था, मतलब बाथरूम जाएगा कैसे जाएगा, निकल नहीं पा रहा था। गेट तक भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, मतलब जा नहीं निकल नहीं पा रहा। एक तरफ आसमान से जो है वो कहर बरसा जा रहा है, तो वहीं पे टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो 41 से 45 के बीच में है। और लगातार जो दिल्ली से मुंबई से जो ट्रेनें आ रहे हैं उसमें भर भर के यात्री जो है वो आ रहे हैं, और मुंबई दिल्ली जाने वाले जो यहां से यात्री है वो भर भर के जा रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें साफ साफ दिखा दे किस तरह से गाड़ियों में जो है वो भर भर के लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी से गाड़ी से आए, भीड़ भी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ गर्मी भी बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है, परेशानी हो रही है गर्मी से। झड़क चल रहा है, सरकार नहीं बदली है, फिर से मोदी जी आए। मोदी जी आए तो अभी बहुत अच्छा करेंगे वो, भरोसा है, भरोसा पूरा है, गाड़ी और चलेगी। हाँ चलेगी। क्या क्या समस्या हुआ है? ये अच्छा करेंगे। समस्या क्या क्या हुआ है? समस्या हुआ है कि एकदम बहुत ज्यादा भीड़ था और उसको बैठने में परेशानी हुई, लेकिन लोगों की सहायता से हम बैठ गए। और उसके बाद सीट नहीं मिल रही थी, सीट नहीं मिल रही थी, सीट बहुत नहीं मिल रही थी। जनरल या स्लीपर? जनरल था। जनरल देखिए, जनरल में तो वेटिंग था तो टिकट नहीं मिल पाया, तो हम जनरल का टिकट लेना पड़ा मुझे। जनरल का टिकट लेना। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ गए। बनारस से ट्रेन में भीड़ भी थी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। परेशानी भी हुआ? परेशानी तो नहीं हुआ लेकिन जनरल बोगी में तो ज्यादा परेशानी होता है। जनरल से? हाँ देखिए, लोग जो हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, बनारस से ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि देखिए जनरल बोगी में जो है काफी ज्यादा भीड़ था, जिसको लेकर के भीड़ की कठिनाइयों का सामना भी जो है इनको करना पड़ा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए गाड़ी जो एक करके जो है मुंबई हो या दिल्ली हो सभी जगह से आ रही है, और पैसेंजर यानी कहें तो यात्री जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको तस्वीर जिस तरह से स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा है। कहाँ से आए भाई? अलीगढ़ से आ रहा है। अलीगढ़ से? गाड़ी में भीड़ भी थी? नहीं भीड़ नहीं थी उतना। चलिए, कुछ गाड़ियों में जो है बता रहे हैं भीड़ भी नहीं थे, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से जो लोग हैं वो चल के आए हैं, और लगातार जो लोगों का कहना है कि देखिए किस तरह से भीड़ थी, भले आसमान से कहर बरसाया जा रहा हो। और साथ ही साथ बात करें ट्रेन में जिस तरह से भीड़ देखा गया इसको लेकर के साफ तौर पे लोगों का कहना है कि देखिए भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों से हमने बात भी किया कि देखिए इस बार फिर से तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। क्या कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए? भागलपुर। भागलपुर से? ट्रेन में भीड़ भी थी? बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक तो गर्मी ऐसे लग रहा है, उसके बाद बहुत भीड़ था और परेशानी था। सीट मिल पाता? सीट तो मिल गया था लेकिन एक सीट पर तीन आदमी चार आदमी कोच कोच के बैठा हुआ। काफी ज्यादा कठिनाई है, बहुत कठिनाई है भैया। देखिए लोग जो हैं वो चल चल के आ रहे हैं बाहर से। कहाँ से आए? बिहार। बिहार? बिहार। बिहार में तो है ही। हम आए हैं जसीडी से। भीड़ भी थी ट्रेन में? नहीं, अभी तो हम आए हैं बनारस से, लेकिन जाएंगे जसीडी। बनारस वाले गाड़ी से आए होंगे तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, बहुत भीड़। क्या परेशानियां? परेशानियां क्या, वो आदमी निकल नहीं पा रहा था, मतलब बाथरूम जाएगा कैसे जाएगा, निकल नहीं पा रहा था। गेट तक भीड़ थी? बहुत भीड़ थी, मतलब जा नहीं निकल नहीं पा रहा था, बहुत भीड़ थी। चलिए, काफी ज्यादा जो है वो भीड़ था। ट्रेन से जो लोग हैं वो यात्री आ रहे हैं, आपको तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे थे किस तरह से, देखिए लोग बता रहे हैं कि बाथरूम का जो दरवाजा था वहां तक भीड़ था, लोग को बाथरूम जाने में भी तकलीफ हो रही थी, दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो तस्वीरें चल के सामने आ रही है आपको हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पटना जंक्शन पर लोग जो है मुंबई दिल्ली से आ रहे हैं, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि देखिए काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ा है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे सस्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।